झारखंड विधानसभा में एक कमरा मुस्लिम समुदाय को नमाज की आवंटित करने का मामला आज मॉनसून सत्र के दूसरे दिन तूल पकड़ सकता है। हालांकि इससे पहले विधानसभा सत्र में भाग लेने पहुंचे वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि यह कोई नई परंपरा नहीं है। इस दौरान उन्होंने हनुमान चालीसा का पूरा पाठ पढ़कर के सुना दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार सभी धर्मों को साथ लेकर चलने वाली है। अंत में लाल रहे लाली रसे और लाल नंगूर तबियत है तो ये नमाज का एक अलग है। अलग दूसरे धर्म में एक ऐसा निर्धारित दिन नहीं है जहाँ आप रोज रोज पूजा कर सकते हैं। इस्लाम में है कि खुद के दिन पढ़ना बहुत जरूरी होता है। आप इस पर भी ध्यान दें तो कितने भी रहते हैं लोग तो हम जानते हैं हमारे दूसरे ड्राइवर से तो कहते हैं कि सर नमाज का टाइम आ गया है गाड़ी रोक कर नमाज पढ़ेंगे तो पढ़ो शुभ के दिन इस बीमारी को क्यों हम छोड़ें क्यों भूलें। सबका देश है सब धर्म बराबर है सबके होना चाहिए कौन मना किया। वही नमाज के लिए कमरा आवंटित करने के विरोध में भाजपा विधायकों ने हिंदू धर्म के हरे रामा हरे कृष्णा का सहारा लेते हुए ढोलक और घंटी बजाने का काम किया है। थी तो किसने अलॉट किया भाई ये आना चाहिए और मान लीजिए थी तो हम परंपरा को बदल नहीं सकते हैं क्या? फकीर का लकीर होना है क्या? तो मैं तो नहीं बना कर रहा हूँ। आप एक कच्छ क्यों आवंटित किया है? आप पूरा विधानसभा आवंटित कर दीजिए, हमको कहाँ प्रॉब्लम है। हम लोग तो ये चाहते हैं कि यहाँ पर एक भव्य मंदिर भी रहे ताकि सारे लोग हम सभी बहुसंख्यक विधायक बहुसंख्यक यहाँ पर जो कर्मचारी और पदाधिकारी हैं वो सारे के सारे लोग यहाँ पर पूजा अर्चना कर सकें। इसमें विरोधाभास का है भाई। ठीक है ये कि हमेशा संविधान के मर्यादा की रक्षा हो न कि संविधान के मर्यादा जो संविधान की मर्यादा है वो टूटे तार तार हो। इसलिए आज भी मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष से बहुत ही विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूं कि जो उन्होंने आदेश निर्गत किया है उसको तत्काल प्रभाव से रद्द करें। हम लोगों को कोई शौक नहीं है कि हम हनुमान चालीसा पढ़ें, हमको कोई शौक नहीं है कि हम यहाँ हरे रामा हरे कृष्णा करें, लेकिन जब सरकारें गूंगी बहरी हो जाएंगी जब बात सुनी नहीं जाएगी तो सुनाने के लिए हम हनुमान चालीसा भी पढ़ेंगे और हरे रामा हरे कृष्णा भी। न्यूज़ अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।